Hello everyone, my name is Ella and welcome back to Her Fab Way. हमारे घर में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो चाहे कितनी पुरानी क्यों ना हो जाए बट वी स्टिल लव देम, वी स्टिल लाइक टू यूज देम। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इस टेबल के ना सिर्फ फ्रेम में बल्कि लेग्स में भी काफ़ी इंट्रिकेट कार्विंग हो रखी है। ये टेबल हमने बहुत साल पहले ली थी और विद टाइम इस पर काफ़ी डस्ट एक्यूमुलेट हो गई और मैं कोई भी हार्श केमिकल यूज़ करके इसकी पॉलिश ख़राब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैं अलग अलग सिंपल तरीके ट्राई कर रही थी इसको साफ़ करने के लिए और फाइनली उसमें से एक तरीका बहुत ही इफेक्टिव निकला जो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। वीडियो में आगे चलने से पहले मैं आप सभी से कहना चाहूँगी कि आप मेरे को इंस्टाग्राम पे ज़रूर फॉलो करिए, माय इंस्टाग्राम हैंडल इज़ हर फैब वे। मैं वहाँ पे टाइम टू टाइम अलग अलग फोटोज़ वगैरह शेयर करती रहती हूँ और जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करने वाली होती हूँ तो मैं हमेशा इंस्टाग्राम पोस्ट या स्टोरी के थ्रू अपने व्यूज़ को इन्फॉर्म करती हूँ। सबसे पहले हम एक शू ब्रश ले लेंगे, ये बिल्कुल नया है लेकिन अगर आप कोई पुराना ब्रश यूज़ कर रहे हैं तो प्लीज़ मेक श्योर कि वो एकदम साफ़ हो। सबसे पहले हम इस ब्रश को यूज़ करके टेबल से मैक्सिमम डस्ट हटाने की कोशिश करेंगे तो बाकी की डस्ट साफ करने के लिए हम कोकोनट ऑयल लेंगे, इट वर्क्स द बेस्ट। अब हम एक टूथब्रश लेंगे और उस पर ऑयल की 2 से 3 ड्रॉप्स डालेंगे। टूथब्रश यूज़ करने से ऑयल कार्विंग के अंदर तक जाएगा और वहाँ की डस्ट को रिमूव करने में हेल्प करेगा। आप ध्यान रखिए कि ऑयल आप एक बार में थोड़ा थोड़ा ही लगाएं क्योंकि ये हमें बाद में वाइप भी करना होगा। तो यहाँ पर हमने ऑयल लगा दिया है, अब हम इसको 10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। अब हम शू ब्रश ले लेंगे और कॉटन का बिल्कुल पतला कपड़ा उसके ऊपर इस तरह से रख लेंगे। इसको आप पीछे से पकड़ लीजिए। हमने यहाँ पर ब्रश इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उसके ब्रिसल्स से जो कपड़ा है वो कार्विंग के अंदर तक जाएगा और वहाँ की डस्ट को और ऑयल को रिमूव करेगा। तो पहले हमने टेबल पर से सिर्फ ब्रश यूज़ करके डस्ट हटाई थी और अब ऑयल यूज़ करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसमें से कितनी डस्ट और निकली है। तो हमारी टेबल का ये पोर्शन साफ हो चुका है, ना सिर्फ इसमें से डस्ट हट गई है बल्कि इसमें शाइन भी आ गई है। अब हम इसी तरह से बाकी टेबल भी साफ कर लेंगे। और अब हम इसी तरह से इसके लेग्स भी क्लीन कर लेंगे। फर्नीचर साफ करने के बाद आप देख लीजिए कि उसके ऊपर ऑयल या डस्ट रह ना गया हो, तो उसके लिए मैंने ये टिश्यू पेपर लिया है। इसको मैं यहाँ पर अच्छे से रब कर देख लेती हूँ। तो हमारा टिश्यू पेपर एकदम साफ है विच मीन्स कि ना तो यहाँ पर ऑयल है और ना ही डस्ट बची है। तो अब हमारी टेबल पहले से काफी साफ हो चुकी है। सो गाइज, आपने देखा कि हमने कितनी ईजिली अपनी टेबल क्लीन कर ली। और अगर आपके फर्नीचर पे कुछ ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेटेड है तो आपको हो सकता है प्रोसेस 1 या 2 बार रिपीट करना पड़े। और एक चीज़ मैं आपको ऑनेस्टली बोलना चाहती हूँ कि अगर आप अपना फर्नीचर प्रोफेशनल हेल्प से क्लीन कराएं तो हो सकता है इससे बेटर रिजल्ट निकल के आ जाए, लेकिन अगर आपके घर के आसपास कोई प्रोफेशनल हेल्प अवेलेबल नहीं है या फिर थोड़ा कॉस्टली है और आप अपनी चीज़ को प्रेजेंटेबल बनाना चाहते हैं तो ये काफ़ी अच्छा तरीका है, बहुत ही इफेक्टिव है और बहुत ही इकोनॉमिकल है।
सो गाइज दैट वॉज इट फॉर टुडे। आज की वीडियो आपको कैसी लगी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर इसको लाइक करिए और ऐसी बहुत सारे इंटरेस्टिंग और यूजफुल वीडियोस के लिए ज़रूर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। स्टे ट्यून एंड सी यू सून एट हर फैब वे। बाय।